बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आपके साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार सऊदी अरबिया में मजीद 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं जी। हालांकि ये कुल अफराद की तादाद तो 16 लिखी हुई है, लेकिन 8 यमनी हैं, 5 रहायशी हैं, 3 पाकिस्तानी हैं जी। पाकिस्तानी के मुतल्लिक मैं बात करूंगा। ये गिरफ्तार क्यों किए गए हैं? आप भाई यहाँ पर जो मुकीम है, आपको भी कभी ना कभी ऐसा बंदा या ऐसी कॉल जरूर आई होगी। नंबर एक तो ये कि भाई ये माली अमदाद मांगते थे। आपको पता है जी, यहाँ पर किसी भी तंजीम को लेकर पैसे मांगना ये ममनू है। इसके ऊपर अगर आप पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा फाइन और जेल हो जाएगी। और आपको कभी ना कभी कॉल जरूर आई होगी, मुझको भी कई बार आई है कि भाई आपका 2 लाख रियाल का, 1 लाख रियाल का, 5 लाख रियाल का इनाम लग गया है, मुझे बैक कॉल करो, ये है वो है। ये मुकम्मल डिटेल आपको पता होगी जी, वो जो करते हैं। और अभी तो इन लोगों ने इमो के ऊपर भी लोगों को फ्रॉड लगाने शुरू कर दिए, यानी कि इमो को जो अपनी पिक्चर होती है वहाँ पर राजी या बैंक अल बिलाद या ये जो बैंक है भाई राजी वगैरह हो गया, अल बैंक अल बिलाद हो गया, इंजाज हो गया, इनकी पिक्चर लगाई होती हैं और इनकी पिक्चर लगाकर आपको कॉल करते हैं। नंबर आईडी होता है तो आपको बोलते हैं बैंक, आप अपना कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से भी बंदों को लूटा गया है। और इसके अलावा भाई के रकम की मुंतकली, यानी कि आपने बोला कि मैं जैसा कि हुंडई बोल रहे हैं जी, जो आपको पता, मैंने कभी पैसे यार ऐसे भेजे तो नहीं है, नाम ही सुना है, हुंडई बोलते हैं शायद, तो हुंडई के हुंडई जो भी है यार, उसके थ्रू जो रकम भेजते हैं वो भी ये काम करते थे। और इसके अलावा बहुत से 2 नंबर काम करते थे। तो इनको जब पकड़ा गया है, 16 अफराद को, इनमें से 3 पाकिस्तानी अफराद निकले हैं। और जब इनको भाई पकड़ा गया, यहां पर मैं वो वीडियो भी आपको चलाकर दिखा रखा हूं, उस टाइम इनके पास से भाई 7,86,000 जी मेरे भाई, 7,86,000 रियाल की रकम बरामद हुई है। कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं, एक इनके पास से मशीन ऐसी बरामद हुई है जो नोट गिनती है और जो जाली नोट वगैरह बाहर निकाल देती है, और कुछ और चीजें ऐसी मामले को लेकर इनके पास से बरामद हुई हैं, यानी कि बंदों को लूटने के नत नए तरीके। तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में, मैंने आपके साथ एक पहले एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक सऊदी लड़की को वो इशारे कर रहा था बरीदा में, तो अभी ये 3 ऊपर से ये। तो मैं जो पाकिस्तानी यहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी क्या यार, जो इंडियन भाई या बंगाली भाई हैं, वो भी सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई भी काम मत करें यार, यहाँ पर बहुत सख्ती है, आपको उठा लिया जाता है, फिर आपकी जो पीछे फैमिलीज वगैरह बैठी होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं। तो लिहाजा मैं तो खुद भाई यार यही बात बोलूँगा कि ऐसे कामों से दूर ही रहना बेहतर है और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना बेहतर है।